और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बीच बड़ी गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है। मैनपुरी में मतदान के बीच सपा का चुनाव चिन्ह ही गायब हो गया, जिसके बाद हंगामा बरपा हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने हस्तक्षेप की मांग की है। सपा ने ट्वीट कर जानकारी दी और कहा कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। मैनपुरी सदर विधानसभा के बूथ संख्या 243 ज्योति में चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने तुरंत चुनाव आयोग को ट्वीट कर जानकारी दी और हस्तक्षेप की मांग की। इसके अलावा मैनपुरी के ही किशनी विधानसभा के बूथ संख्या 83 पुडरी पर फर्जी मतदान जारी होने की जानकारी मिली। पीठासीन अधिकारी पर फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगा है। साथ ही करहल विधानसभा के सेक्टर नंबर 16 टिंडौली में बूथ संख्या 255 पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आई थी, जिसे बदल दिया गया, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा मतदान की गति को प्रभावित किया जा रहा है, मतदान काफी धीमा है, ऐसी जानकारी समाजवादी पार्टी ने दी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव लगातार जारी है और मतदान के बीच लगातार गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, कहीं एजेंट्स बनने ही नहीं दिया गया है। और अब मैनपुरी सदर की अगर बात की जाए तो बूथ संख्या 239 ज्योति में चुनाव चिन्ह ही सपा का नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे ही पता चला कि सपा का चुनाव चिन्ह गायब है, उसके बाद लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेते हुए तुरंत इसे दुरुस्त करवाने की मांग की है। फर्जी मतदान की खबर किशनी विधानसभा की बूथ संख्या 83 पुडरी पर मिली, जहां पर पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगा कि वो फर्जी मतदान करवा रहे हैं, जिसके बाद यहां भी हंगामा देखने को मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से, जहां एक जगह समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही गायब बताया जा रहा है, तो दूसरी जगह पीठासीन अधिकारी फर्जी मतदान करवा रहे हैं, और तीसरी जगह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खराब ईवीएम थी, जिसको बदल दिया गया, लेकिन कर्मचारी मतदान की गति को प्रभावित कर रहे हैं और धीमी गति से हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लोकसभा का जो उपचुनाव जारी है, उपचुनाव के बीच में गड़बड़ी की खबरें मिल रही हैं और समाजवादी पार्टी ने तुरंत चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग संज्ञान लेते हुए तुरंत मामले में हस्तक्षेप करे और जो भी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी का आरोप ये भी है कि सुबह से शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन एक भी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया है, जो बताता है कि सत्ता के इशारे पर काम किया जा रहा है।